बिहार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ठन गई है। सीएम नीतीश कुमार के एक फैसले से रामसूरत राय इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। रामसूरत राय ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मंत्री पद किसी की बपौती नहीं होती है, राजनीति किसी के बाप दादा की अर्जित हुई संपत्ति नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी शुभकामनाएं हैं, कोई लोग भी आए और इस विभाग को चलाएं। वहीं मंत्री रामसूरत राय ने यह भी फैसला किया है कि अपने क्षेत्र से लेकर पार्टी दफ्तर और सरकारी कार्यालयों में जो जनता दरबार वो लगाते हैं, जनता की समस्या को सुनते हैं, अब वो नहीं सुनेंगे। रामसूरत राय साफ तौर पर कहते हैं कि जनता अपना समझे। दरअसल यह नाराजगी इसलिए हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिसमें 30 जून को सबसे ज्यादा सीओ और अधिकारियों के तबादले हुए थे, पर इस पर रोक लगा दी थी। इन तबादले पर रोक लगाने का आदेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए हैं, जिससे विभागीय मंत्री रामसूरत राय जी आग बबूला हो गए। जानकारी के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुए तबादले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। पिछले महीने 30 जून को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से अंचल अधिकारी, बंदोबस्ती पदाधिकारी और चकबंदी पदाधिकारी समेत प्रभारी पदाधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया गया था, जिसमें गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद नीतीश कुमार ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दे दिया, जो मंत्री जी को अब नागवार गुजर रहा है। आपको बता दें, पिछली सरकार में भी यह विभाग बीजेपी के पास था, तब राम नारायण मंडल मंत्री थे। राम नारायण मंडल के समय में भी सीओ के तबादले के आदेश को रद्द कर दिया गया था, तब भी तबादला में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंची थी। न्यूज डेस्क के साथ जेन्यूज 24 की रिपोर्ट।